महातारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाले महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर मार मार कर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायक जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए समाज में पैदा हुए विभिन्न संत वीर वीरांगना और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखने वाले नारी के मुक्तिदाता गांधी के प्राणों को बचाने वाले द सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए दर्शक दीर्घा में आई हुई मेरी माताएं बहनें मेरे बुजुर्ग साथी मेरे युवा साथी आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम और मंच पे उपस्थित सभी विद्वान जन और श्रद्धे अशोक भारती जी आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम सतीश बाग है। क्योंकि वक्त कम है और कम समय में जो है बड़ी बात कहनी है तो इसलिए थोड़ा जल्दी करूंगा। एक बार एक व्यक्ति के जूते पर किसी ने थूक दिया तो उस व्यक्ति ने कहा अरे यार ये जो थूकने वाला बदतमीज आदमी इसके मुंह लगने से क्या फायदा बेकार में क्यों झगड़ा करे। तो उसने जो है वो अपने आप ही वो थूक साफ कर लिया। फिर कुछ दिनों बाद उसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति के घुटने पर थूका। अभी उसने फिर से सोचा यार क्या करना है छोड़ो ना किसी से झगड़ा करके भी क्या फायदा होने वाला है बदतमीज आदमी इसके मुंह क्या लगना। फिर उसी आदमी ने उसके पेट पर थूका। उसने फिर से कोई कुछ जवाब नहीं दिया कोई प्रतिक्रिया नहीं की। फिर छाती पर थूका और एक वक्त ऐसा आया कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के मुंह पर थूक दिया। अब उसे गुस्सा आ गया कहने लगा अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरे मुंह पे थूक दिया। तो जो व्यक्ति थूक रहा था उसने पलट के तमाचा लगाया और कहने लगा तू अब मुझसे कह रहा है कि मुझे तेरे ऊपर थूकने की आदत हो गई है। बात समझ में आ रही है। तो साथियों जब तक आपके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तब तक कोई परिणाम आने वाला नहीं कोई परिणाम नहीं। इतने बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं यकीन मानिएगा इतने बड़े कार्यक्रम करने के लिए समय चाहिए होता है एनर्जी चाहिए होता है पैसा चाहिए होता है और समाज हमारा बहुत गरीब है तो कम समय में ज्यादा समझने का काम हम सबको करना पड़ेगा। ये जो घटना एक शब्बीरपुर वाली जो घटना हुई है ये तो आपको दिख गया अन्यथा रोज गांवों में दलित बहन बेटियों का बलात्कार होता है आवाज तक नहीं उठती। दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात जिंदा जला दिया जाता है। दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात निर्वस्त्र गांव में घुमाया जाता है। दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे डायर घोषित कर दिया जाता है और उसे गांव से दूर भगा दिया जाता है। इस तरह की व्यवस्था आज भी है। आप मुझे कहने में कोई भी लिहाज और शर्म नहीं है कि आज भी जातिगत दुर्भावना के चलते हुए भारत की विभिन्न प्रदेशों में सरकारें चलाई जा रही हैं और केवल जातिगत दुर्भावना नहीं धार्मिक उन्माद भी चरम सीमा पर है। इतना चरम सीमा पर है कि गाय की एवज में हमारे मुस्लिम भाइयों की हत्या कर दी जाती है और आवाज तक नहीं उठती। दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार होता है और आवाज तक नहीं उठती। तो ऐसे में मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूं श्रद्धे अशोक जी को उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखने का जो निर्णय लिया और जो हिम्मत जुटाई है और हम लोगों में जो प्राणवायु फूकने का काम किया उसके लिए वो काबिले तारीफ जो है बहुत अच्छा काम किया है। साथियों एक छोटी सी स्टोरी से अपनी बात खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है। हालांकि बातें तो बहुत सारी होती है जब मंच मिलता है तो लगता है कि बहुत कुछ कह दूं लेकिन मैं मंच का सम्मान करता हूँ। अभी जो मैं बात कहने जा रहा हूँ इस बात को किसी भी राजनीतिक संगठन से जोड़ के ना देखें केवल इस अंदाजे से समझे कि 85% समाज एक बहुत बड़ा समाज है तो इसकी अतिशयोक्ति या फिर इसका जो संबोधन है मैं हाथी के रूप में कर रहा हूं क्योंकि बड़ा विशाल समाज है। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज अगर मिला दें तो बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है। हुआ यूं कि एक हाथी बूढ़ा हो गया उसमें ताकत थोड़ी कम हो गई वो कमजोर होता चला गया और एक दलदल में वो फंस गया।
बहुत हिम्मत जुटा रहा था कि किसी तरह से बाहर आ जाऊं, नहीं निकल पा रहा था। तो आप जैसे सभी नरम दिल लोगों ने देखा कि यार एक जीव मर जाएगा थोड़ी देर में, वो तो नीचे डूबता जा रहा है, वो मरने वाला है। तो सभी लोग, गांव के लोग इकट्ठे होकर भगवान बुद्ध के पास गए और कहा, हे भगवान, वहां दलदल में एक विशालकाय जीव हाथी धीरे धीरे करके दलदल में डूबता जा रहा है, कोई तो युक्ति बताओ कि उसे बचाया जा सके, कोई तो ऐसा तरीका बताओ कि हम उसके जीवन को बचा सके। तो जानते हो बुद्ध ने क्या पूछा? भगवान बुद्ध ने पूछा, बताइए ये हाथी है कौन, इसके संबंध में जरा मुझे जानकारी दें। तो आपके लिए इतिहास की जानकारी बता दूं, पुराने समय में जब युद्ध हुआ करते थे तो हाथी युद्ध में सबसे आगे लड़ा करते थे और उनको आगे बढ़ाने के लिए जोश पैदा किया जाता था, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। तो गांव वालों ने कहा कि जो हाथी है ये योद्धा है, ये कोई साधारण हाथी नहीं है, ये इतना मजबूत हाथी था कि आजकल कमजोर हो गया है, इसकी मांसपेशियों में दम नहीं, बूढ़ा हो गया, इसलिए वो डूबता जा रहा है। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप जाओ और जाकर के ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ और वो शहनाइयां बजाओ जो युद्ध के समय बजाई जाती हैं। तो सभी लोगों ने ऐसा ही किया, ढोल बजाना शुरू कर दिया, नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। ढोल और नगाड़ों की जो आवाजें थी वो हाथी के कान में जानी शुरू हो गई। जैसे ही हाथी के कान में ढोल और नगाड़ों की आवाजें जा रही थी, उसके शरीर में रवानी आनी शुरू हो गई, ब्लड में रवानी आनी शुरू हो गई, मांसपेशियां खींचने लगी, उसके पैर खींचने लगे, उसकी सूंड में ताकत आ गई और शरीर उन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़ाया। तो पता चला कि एक कदम बाहर निकाला तो दलदल से बाहर निकल आ गए, वो हाथी आ गया। जानते हो हाथी और कोई नहीं, वो ये समाज है, और जो नगाड़ा बजाने काम कर रहे हैं वो श्रद्धे अशोक भारती जी कर रहे हैं। जब ये नगाड़ा हम सब बजाना शुरू कर देंगे तो याद रखिएगा कि ये जो समाज है, जो विशाल का है समाज है, इसके कान में भी वो वेदना पहुंचेगी, और जैसे वो वेदना कान में पहुंचेगी तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस विशाल काय हाथी के शरीर में वापस उत्तेजना पैदा होगी, फिर से खून की रवानी पैदा होगी, फिर से जोश आएगा, फिर से मांसपेशियां काम करना शुरू कर देगी। और मेरा पूरा यकीन है कि केवल उत्तर प्रदेश या दिल्ली की बात नहीं है, पूरे राष्ट्र में अगर सबसे बड़ी संख्या किसी की है तो आप लोगों की है। अगर आप लोगों ने एक बार इस नगाड़े की आवाज सुन ली तो हो ही नहीं सकता कि आपके खून में रवानी पैदा ना हो ही नहीं सकता कि चेतना पैदा ना हो ही नहीं सकता कि हिम्मत पैदा ना हो ही नहीं सकता कि दिमागी शक्तियां काम ना करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साथियों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि घटनाएं बहुत सारी हैं और ये होती रही हैं, ये होती रहेंगी, इनका समापन करना है तो अपने हाथ में सत्ता की चाबी ले लो। और फिर आता है, हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, हिंदू होने के नाम पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। इन लोगों से पूछो, क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग चीजें हैं? अगर अलग अलग चीजें नहीं है तो ये बताओ, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है या हिंदुत्व को मानने वालों की संख्या ज्यादा है? अगर हिंदुत्व के सिद्धांत हिंदुओं से अलग हैं तो माना जा सकता है हिंदुत्व के नाम पे राजनीति की जा सकती है, लेकिन अगर हिंदुत्व के सिद्धांत हिंदुओं के सिद्धांतों से अलग नहीं है तो ये धर्म के ऊपर आधारित राजनीति है, और धर्म के ऊपर आधारित राजनीति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान अनुमति नहीं देता। और हम सबको मिलकर ये मुद्दा उठाना होगा ताकि इनके गले पे, इनके टेंट में पैर रखा जा सके। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, और आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दे तो फिर से आऊंगा, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। ये बड़ी खराब वाली जय भीम भी नहीं आई, एक बार दोनों हाथ ऊपर करना सारे लोग, जरा दोनों हाथ ऊपर करो सारे लोग करेंगे, शर्म आती है क्या? सारे लोग दोनों हाथ ऊपर, मेरे साथ बोलेंगे